सब साथ से न्यू लॉन्ग ब्लॉग पे गाइस। तो आज हम लोग जा रहे हैं भूटान चौकी पिकनिक खाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी मैं रेडी हो चुकी, सुबह उठ के अभी बज चुका है 6 और मैं रेडी हो चुकी हूँ भूटान जाने के लिए। तो गाइस चलिए आप लोग को लेके चलती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो सभी लोग रेडी होके निकल चुके और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं बस का। सभी लोग बस पे आ रहे हैं बाकी लोग। तो अभी फाइनली गाइस हम लोग का बस आ चुका है देख सकते हो और सभी लोग यहाँ पे बैठ चुके। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी है गुवाहाटी टू भूटान। तो अभी हम लोग बस पे बहुत डांस करते हुए जा रहे थे, बहुत ही मजा किया हम लोगों ने गाइस बस पे। देख सकते हो डांस करते हुए ऐसे ही जाते हैं ना गाइस पिकनिक, दूर दूर जाने से इंजॉय तो करना बनता है ना। तो अभी हम लोग देख सकते हो भूटान के पास पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं भूटान पे। यहाँ का नजारा बहुत ही अच्छा लगा, खेत वेत देखने को मिला हम लोगों को, बहुत ही मजा आया ये नजारा देख के। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पिकनिक स्पॉट पे। देख सकते हैं हम लोग का बस यहाँ पे रखा हुआ है और सभी लोग सामान वामान निकाल रहे हैं, जितना भी पिकनिक का सामान था हम लोगों का। यहाँ पे चारों ओर सभी लोग पिकनिक खाने के लिए आए हैं और यहाँ पे हम लोग भी जा रहे थे अभी पिकनिक स्पॉट पे, जहाँ पे हम लोग पिकनिक खाएंगे। तो गाइस देख सकते हो अभी हम लोग फाइनली अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हम लोग खाने वाले हैं पिकनिक। यहाँ पे देख सकते हो पास में नदी है और यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी थे। जाते ही हम लोग को मिला सेल रोटी, आंटी लोगों ने बनाया था यहाँ पे देख सकते हो, रेडी करके रखे हुए थे और हम लोगों ने खाया सेल रोटी और अचार, नेपाली अचार और ये क्या बोलते हैं नेपाली में तो भुट्टा बोलते हैं और आप लोग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कमेंट पे जरूर बताइएगा आप लोग। तो हम लोग घूमने के लिए निकल चुके थे और हम लोग को जाते जाते मिला यहाँ पे जीप लाइन, एयर गन वगैरह मिला हम लोगों को, यहाँ गेम वगैरह। और मेरे सिस्टर की बेटी ने खेला था डोंकी का 50 करके था गाइस। तो मैंने सोचा कि मैं खेलती हूँ जीप लाइन और इसे खेलने देती हूँ ये। तो मैं रेडी हो चुकी थी अभी जीप लाइन ट्रैवल करने के लिए गाइस। तो भैया ने मुझे सेफ्टी के लिए बेल्ट वेल्ट लगाया और हेलमेट वगैरह लगाया। देख सकते हो आप लोगों ने कभी सवारी की है जीप लाइन की गाइस? मैं कर रही थी फर्स्ट टाइम और मैं बहुत एक्साइटेड थी गाइस जाने के लिए। और मैं सवार हो चुकी थी जीप लाइन पे देख सकते हो। ये मोमेंट को मैंने बहुत ही इंजॉय किया गाइस। आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगा ना ये चीज, तो आप लोग भी आएंगे तो जरूर करिएगा। 200 करके है इसका टिकट। यहाँ पे एक बंदा और वहाँ पे एक बंदा रुका होता है हम लोग को रुकाने के लिए। और यहाँ से फिर जाएंगे दूसरी ओर जाएंगे यहाँ पे जैसे इसको, और यहाँ पे भी इसके ऊपर चढ़ के और दूसरी ओर जाएंगे हम लोग। यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे भी सेफ्टी लगा रहा है देख सकते हो अच्छी तरीके से। अब यहाँ से जाएंगे उस तरफ जाएंगे गाइस देख सकते हो। और मुझे यहाँ पर रेडी कर दिया गया और मैं यहाँ से निकल रही हूँ और मुझे जीप लाइन करके बहुत ही मजा आया। तो आप लोग भी गाइस वीडियो देख के आप लोगों को भी मजा बहुत ही आया होगा, आप लोग भी करने का मन किया होगा। उसके बाद हम लोग गए थे नदी के पास, गए थे यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा नदी है ये। और यहाँ पे देख सकते हो पत्थर के बीचों में नदी, कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है देख सकते हो यहाँ का नदी। भूटान, दिस इज भूटान गाइस देख सकते हो। अब सब लोग फोटो वोटो क्लिक कराने में बिजी थे और यहाँ पे बंदे लोग भी नहा रहे थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से गए चलो चलते हैं कहीं पे देखने के लिए बोल के हम लोग निकल गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि ऊपर चलते हैं क्या है यहाँ पे, मंदिर जैसा कुछ होगा पक्का लगा था हमने। हनुमान की फोटो वोटो लगी हुई थी यहाँ पे और हम लोग जा रहे थे ऊपर की ओर। हम लोग ऊपर पहुंच चुके थे और यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा मंदिर जैसा घर था। और उसके बाद आगे चल के गए यहाँ पे देख सकते हो एक बिल्डिंग जैसा बनाया था। चलो गाइस ऊपर जाके देखते हैं क्या दिखता है ऊपर से, हम लोग भी तो देखे कम से कम जाके बोल के हम लोग यहाँ से चल दिए थे। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस ऊपर जाके हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ जंगल ही जंगल, नदी भी बहुत दूर दिख रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे चल रहा था कपल डांस देख सकते हो, यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे और ये ब्यूटीफुल कपल्स भी डांस कर रही थी यहाँ पे देख सकते। और बीच में आ रहे थे कबाब में हड्डी बनने दूसरे भैया बीच में घुसे जा रहे थे और लड़की लोग पीछे से खींची जा रही थी, डिस्टर्ब मत वो घुसे जा रहे थे देख सकते यहाँ पे। तो बहुत ही फनी लगा ये मोमेंट हम लोगों का, बहुत ही मजा आया। और उसके बाद बारी हो चुकी थी खाना खाने की, यहाँ पे देख सकते हो खाना वाना बन रहा है, अभी थोड़ा टाइम लोगों का टाइम हो जाएगा खाना खाने का। यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ चावल बनना बाकी और यहाँ पे सब्जी वब्जी बन रहा है देख सकते हो। तो फाइनली अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है, आंटी लोग यहाँ पे परोस रहे हम लोग के लिए खाना देख सकते हो। हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं और मैं भी बैठ चुकी हूँ। अभी हम लोग खाना खाने के बाद यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो और हम लोगों ने खाना वाना खा के यहाँ से निकल चुके हैं, तो अभी बैठेंगे गाड़ी में जाके बैठेंगे गाइस, बाकी लोग आ जाएंगे पीछे से। तो अभी हम लोग फाइनली ये जगह को बाय बाय करने वाले हैं देख सकते हो। अभी अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, बंद होने का टाइम भी हो चुका है। तो
और जाते जाते मुझे मिला ये प्यारा सा पपी। देख सकते हो मुझे डॉग्स से ना बहुत ही ज्यादा प्यार है। डॉग्स से तो सभी को प्यार है बट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं डॉग्स वगैरह। डर भी लगता है बट प्यार भी बहुत ही ज्यादा है गाइस। देख सकते हो इतना क्यूट है ये। तो हम अभी बस पे पहुंच चुके हैं गाइस, देख सकते हैं सब लोग बैठ चुके हैं बस पे, घर जाने के लिए रेडी है। तो गाइस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।